वासुदेव्या। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमीदूढसव्यसिद्धे झाणुत्तम खव दीह दीह संसारी दस दस दो दोड़ा जिड़े दस दो अणु पीहणम बुक्षी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम णमो लोहे सवसाहूनम। अनंतानंत शुद्धि परमिष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। परम आचार्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा महे विश्व धर्म की मान बाबू, हम सभी लोग आवाज़ ठीक करेंगे। आवाज़ ठीक करो। बाणस अनुपेक्षा ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें संसार अनुपेक्षा का वर्णन चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने पंच परावर्तन को समझने का प्रयास किया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, और इन पंच परावर्तन काल को इस जीव ने एक बार नहीं जाने कितनी बार भोगा, और भोग भोग कर पूरा समय ऐसे ही व्यतीत कर दिया। पर ये भोग इसके पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाए। हर पर्याय में आयु तो क्षय हुई, पर ये भोग और भोगों की वस्तु, भोगों की अभिलाषा, ये नष्ट नहीं हुई। एक भोग की पूर्ति होती तो दूसरा भोग प्रारंभ, मतलब समापन होने से पहले ही प्रारंभ हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं और भी कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये जीव संसार भ्रमण करता है। जो जीव पुत्र और पत्नी की निमित्त से पाप बुद्धि के द्वारा धन कमाता है और दया और दान छोड़ देता है, वह संसार में परभ्रमण करता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि संसारी जीव स्वार्थ भरे जीवन में मात्र दूसरों को सुखी करने में, दूसरों को समृद्धि दिलाने में, प्रसिद्धि दिलाने में, अपना जो वास्तविकता में जो जीवन है
उसको नष्ट करता है। और हमारा जो वास्तविक जीवन है वो क्या है? वो है दया और दान। पर यह जीव दया और दान करना बंद कर देता है और पाप बुद्धि, और पाप बुद्धि भी किसके निमित्त से होती है? सिर्फ पुत्र पत्नी आदि जो संबंध बनते हैं उसके कारण यह जीव पाप बुद्धि करता है, और पाप बुद्धि करकर क्या करता है? पाप का ही आश्रय करता है, और जहाँ पर पाप का आश्रय हो रहा होगा वहाँ पर कभी भी संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। पुत्र कत्ता निमित्तम, आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे हैं पुत्र कत्ता माने पत्नी, और निमित्तम मतलब पुत्र पत्नी के निमित्त से, अथम अजदि पाप बुद्धि ए मतलब उनके निमित्त से अथम अर्थ उपार्जन करता है किसके? पाप बुद्धि के द्वारा। परे हरदि दयादाणम सो जीवो भमदि संसारे, यह जीव दान और दया का परिहार कर देता है और इसलिए क्या करता है? संसार पर भ्रमण करता रहता है। और ये वही करता है जो अज्ञानी ग्रस्त होता है। कौन होता है? जो अज्ञानी ग्रस्त है वही ऐसा काम करता है। जो ज्ञानी ग्रस्त है वो कभी ऐसा काम नहीं करता है। समझे? ऐसा नहीं है कि आचार्यों ने ग्रस्त जीवन में रहने वाले जीवों को ग्रस्त का उपदेश नहीं दिया हो, उसको भी उपदेश दिया है, पर उस ग्रस्त आश्रम में रहने वाले जीव को ज्ञानी और अज्ञानी कहा। ज्ञानी कौन? जो पाप बुद्धि से धनार्जन नहीं करता है। किसे नहीं करता है? देखिए एक बात और समझेंगे आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यह जीव जब पेट भरता है तो उसमें किसी भी प्रकार की पाप बुद्धि नहीं रखती है, धर्म बुद्धि से पेट भर सकता है। पर जहां पर पेटी भरने की चिंता हो जाती है, क्या भरने की? पेटी का मतलब अधिक और अभिलाषा हो जाती है। यहां पर आचार्यों ने, नीतिकारों ने धन अर्जन करने के लिए निषेध नहीं किया। ग्रस्त को तो धन अर्जन करना पड़ेगा, पर जहां पर उस धन अर्जन में अधिक तीव्र अभिलाषा हो जाती है उस अभिलाषा का नाम पाप बुद्धि है, लिप्तता। क्या बोलते हैं उसको अपन? लिप्तता। यह जीव पांचों पापों में अगर देखा जाए तो जो लोभ है ना, कसायों में लोभ आता है, क्रोध मान माया लोभ, और पांचों पापों में परिग्रह, इनके कारण ही यह जीव हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है और कुशील सेवन भी करता है। लोभ के कारण क्रोध भी करता है, मान भी करता है, मायाचारी भी करता है और लोभ तो करता ही है। इसको आचार्यों ने बता दिया कि जो भी संसारी अज्ञानी ग्रस्त जीव होता है, किसके लिए ये संबोधन? किसके लिए है? अज्ञानी ग्रस्त के लिए संबोधन है। क्या संबोधन? जो अज्ञानी
संसारी ग्रस्त होता है वो क्या करता है, पुत्र कर्ता निमित्तम, मतलब पुत्र कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है पत्नी के निमित्त से। जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक वो बेटा किसका होता है, माता पिता का होता है, और जैसे ही विवाह हो जाता है तो वो किसका हो जाता है, तुरंत पत्नी का हो जाता है, और जैसे ही पुत्र हुआ, अधिकांश व्यक्ति यही कहता है अरे हम तो अपना जीवन जैसा है वैसा काट लेंगे, हमें किसी भी चीज़ की कैसी भी अभिलाषा नहीं है। पर किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं। तो पाप बुद्धि कहाँ से आई, स्वयं के पेट भरने के लिए। इस जीव को पाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्या समझे, स्वयं को स्वयं का जीवन जीने के लिए यह व्यक्ति पाप नहीं करता, छल कपट नहीं करता, पर दूसरों को जीवन जीने की जो भावना रख कर जीता है, अरे हम नहीं करेंगे तो जिएगा कैसे, पहले तो पाप बुद्धि यही अज्ञानता आ गई। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुख का अगर कोई कारण है तो वो है अज्ञानता। क्या है, अज्ञानता। यह जीव ज्ञानी होता हुआ भी कैसा बना हुआ है, अज्ञानी बना बना दर दर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है, मात एक अज्ञान दशा के कारण ही। आचार्य प्रवर कहते हैं देखिए कि पुत्र और पत्नी के निमित्त से इतना धन अर्जन करता है, पाप बुद्धि का मां पाप बुद्धि का भी कारण बन जाता है, और हमेशा उनके भोग और साधनों को इकट्ठा ही करता रहता है, फिर भी क्या आवाज आती है, आखिर में आपने हमारे लिए क्या किया, क्या समझे, पूरा का पूरा जीवन उन लोगों के नौछावर कर दिया, पाप का भी आश्रय किया, सब कुछ किया, फिर भी क्या सुनने को मिला, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, घर दिला दिया, व्यापार करा दिया, पर सुनने को बाद में क्या मिला, अरे कुछ नहीं किया, वो तो हमारे ही किसका उदय था, पुण्य का उदय था इसलिए ऐसा हो गया। जब तक व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है तब तक तो वो पीछे पीछे चलता है, और जैसे ही उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो पीछे पीछे नहीं चलता है, आपको पीछे पीछे चलाता है। आचार्य भगवान कहते हैं आखिर में ये पाप है क्या, पाप बुद्धि की बात की गई, पाप है क्या, पाप की क्या परिभाषा है। आचार्य भगवान कहते हैं जो आत्मा को अपने शुद्धात्म स्वरूप से पतित करता है वो पाप होता है। पवन जी क्या बात कही यहां पर, बड़ी ही मार्मिक बात कही, अभी तक पाप की परिभाषा बहुत आई, जो आत्मा का पतन करे वो पाप, पर यहां पर आचार्य भगवंत ने क्या दी, सर्वासद्धि में कहा, बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने, क्या कहते हैं कि पाति रक्षति आत्मानाम सुभात इत पापम, वो कहते हैं जो अशुभ से बचाता है और शुभ में स्थिर करता है, रक्षा करता है, वो पुण्य, वह कौन है, पुण्य है। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं कि जो आत्मा को अपने शुद्धात्मा से पतित कराए उससे बड़ा कोई पाप नहीं है।
हिंसा से भी बड़ा पाप है। जैसे कोई साधक अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, किसका अनुभव कर रहा है, अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, या कोई शुद्धात्मा के मार्ग पर चलना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, अरे क्या रखा है, क्या बोलते हैं अपन, क्या रखा है शुद्धात्मा में, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा पापी वो है कि जो धर्मात्माओं को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करता है। कैसे भ्रष्ट करता है, धर्मात्माओं को धर्म के मार्ग से क्या करता है, भ्रष्ट करता है। अगर हमने किसी धर्मात्मा को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट कर दिया तो आचार्य भगवान कहते हैं इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है। क्यों, वो आत्मा अगर धर्म में अगर स्थित हो जाती, शुद्ध आत्मा का अगर ज्ञान कर लेती, तो शायद ये आत्मा आज सिद्धालय में नहीं होती, आज ये आत्मा संसार में नहीं होती, कहां होती, सिद्धालय में होती। किसका अनुभव करने से, शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से। अधिकांश जे सगे संबंधी है ना, ये क्या करते हैं, पाप बुद्धि करते हैं, और पाप बुद्धि में क्या करते हैं, ये हमको हमारे लक्ष्य से क्या कर देते हैं, भटका देते हैं। कभी ज्यादा त्याग करना, ज्यादा तपस्या करना, व्रत आदि करना, सबसे पहले जो हमारे मिलने जुलने वाले होंगे ना, वो क्या कहेंगे, अरे क्या कर रखा है, कुछ खाना पीना नहीं करते क्या, कुछ खाते पीते नहीं हो, अरे तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तो ये क्या, हम लोगों ने उसकी व्रतों को आगे ना बढ़ाकर क्या किया, कम करा दिया। उसको शुद्धात्मा से क्या कर दिया, विमुख कर दिया, शुद्धात्मा के जो मार्ग पर चल रहा था ना उसको विमुख कर दिया। और इनमें पुत्र पत्नी भाई बंधु सभी क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। देखिए संसारी जीव की क्या दशा है कि संसारी जीव हमेशा क्या करता है, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जो होगा ना उसको क्या करेगा, खींचने का काम करेगा। अगर किसी के परिवार में अगर कोई त्यागी व्रती बनना चाहे, दीक्षा आदि लेना चाहे, तो उसके परिवारजन क्या करते हैं, नहीं नहीं रुको रुको, दीक्षा लेकर करूँगा क्या, दीक्षा में है क्या, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं, क्या है, बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं। अरे विचार करिए, दीक्षा कोई कष्ट नहीं है, कष्टों को अंत करने का उपाय है। क्या है, दीक्षा कष्ट में नहीं है, दीक्षा तो हमारे कष्टों का निवारण करती है, फिर भी हम क्या करते हैं, दीक्षा को स्वीकार नहीं करते, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है, व्रतों को स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा रातों दिन पाप बुद्धि में ही पड़े रहते हैं, इतना सारा जोड़ लेते हैं, ना वहां पर दया कर पाते हैं और ना किसी को क्या कर पाते हैं, दान दे पाते हैं। यह आचार भगवंत हम सभी को मतलब क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। आखिर में जीव ऐसा कर क्यों रहा है, तो आचार भगवंत कहते हैं मम पुत्तम मम भाज्या, क्या शब्द दिया, मम पुत्तम मम भाज्या, ये कौन है, मेरा पुत्र है, किसका पुत्र है, मेरा पुत्र है, मम भाज्या ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, मम धन्य धाणो
ये धन और धान्य किसका है? मेरा है। तीह तीव कसा तीव कांक्षा ए, ऐसी क्या कर तीव्र कांक्षा करता है? कौन करता है? संसारी, अज्ञानी, ग्रस्त। ज्ञानी ग्रस्त नहीं करेगा। मम पुत्तम मम भाज्या मम धान धान्यो तित्य तीव्र कांक्षाए, तीव्र कांक्षा करता है। याद रखना, जो कांक्षा शब्द है ना, आकांक्षा शब्द है, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। और लाओ और लाओ। और इसके चक्कर में चई दूढ़ धम्म बुद्धि, मतलब क्या करता है? इस प्रकार की बुद्धि से, इस प्रकार की तीव्र कांक्षा की बुद्धि से धर्म से क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है, धर्म को छोड़ देता है। पच्छ परिणति दीह संसारे, यह जीव दीर्घ संसार में क्या करता है? परभ्रमण करता है। किसके कारण? मम पुत्तम मम भाज्या, धान धन धान किसका है? मेरा है। एक सूत्र है, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है। ये ज्ञानी ग्रस्त का लक्षण। किसका लक्षण है? ज्ञानी ग्रस्त का लक्षण है, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। पर अज्ञानी ग्रस्त क्या कहता है? जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है ना वो भी किसका हो जाए? वो भी मेरा हो जाए। इसी के प्रतन में क्या करता रहता है? रातों दिन लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? रात दिन क्या करता रहता है? ये करता रहता है, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसमें प्रपंच में हमेशा पड़ा रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, अगर वास्तविकता में कोई चीज छोड़ना है तो क्या छोड़े? अपनी तीव्र कांक्षाएं, मतलब तीव्र कांक्षा को छोड़े अपन। पर हम तीव्र कांक्षा को छोड़ते नहीं है, और क्या छोड़ देते हैं? ये पुत्र मेरा, इसका पालन पोषण करना है, ये पत्नी मेरी, इसका सुखी रखना है, जो मैंने धन धान इकट्ठा कर लिया है ना, इसकी भी क्या करनी है? इसकी भी मेरे को सुरक्षा करनी है। क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। देखिए, जो विष है, विष को खाने से मात्र एक भव खत्म होता है। क्या खाने से? विष को खाने से एक भव खत्म होता है, पर जीव इस मिथ्वात ममकार के कारण, मम मोह के कारण जाने कितने अपने भावों को क्या कर लेता है? नष्ट करता है। कौन करता है? यह जीव करता है, समझे ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझिए संसार की स्थिति को, समझिए संसार के किसी भी कोने में चले जाना, चाहे कितना भी दीपक लेकर चले जाना, फिर भी आप वहां से सुख लेकर नहीं आ सकते हैं। चाहे संसार के लिए अपना सर्वत्र नौछावर कर देना, फिर भी संसार से आप क्या लेकर नहीं आ सकते हैं? सुख लेकर नहीं आ सकते हैं। चाहे पूरा का पूरा जीवन क्या कर देना, इसको दे देना, फिर भी क्या करेगा? आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सुख वहां खोज रहे हैं जहां पर वास्तविकता में सुख है ही नहीं है। संसार में सुख खोज रहे, पर संसार में आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। और देखिए ये क्या करता है, मिथ्वात के उदय में। किसके उदय में? मिथ्वात के उदय में यह जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित धर्म की निंदा भी करता है। किसकी निंदा करता है?
जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए धर्म की क्या करता है? निंदा करता है और कुलसित होकर मतलब कुसंगतियों को कुधर्म का सेवन करता है। कभी कभी हम जिनेंद्र की देशनाओं को भी क्या कर देते हैं, झुटका देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, संसार में ही सुख खोज रहे हैं। तो बताओ ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है या नहीं है? अवश्य उल्लंघन है। पर हम लोग करते क्या है कि नहीं, संसार में ही सुख है, हम संसार में ही मस्त रहेंगे। कहाँ रहेंगे? संसार में मस्त रहेंगे। पर आचार्य प्रवर कहते नहीं, यही ये भी एक क्या है, संसार पर भ्रमण का कारण है। तो हमें क्या करना है, संसार के पर भ्रमण को दूर करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले संसार की स्थिति को समझें। संसार में आखिर में क्या है, संसार में आखिर में चिंतन करने योग्य वस्तु अगर कुछ है, इस संसार सागर का अगर अंत करने वाला अगर कोई है, तो मात एक वो है, हम अपनी शुद्ध आत्मा का ही क्या करें, अनुभव करें। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, और ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होने का मात एक ही उद्देश्य है कि हम अगर लाभ करें तो कैसा करें, जिस लाभ को करने से ऐसा कार्य करें, जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा इस संसार सागर से पार हो जाए। बहुत लोग संसार में डुबोने वाले हैं, पग पग पर संसार में डुबोने वाले, संसार में परिभ्रमण कराने वाले बहुत से निमित्त हैं, पर संसार से पार लगाने वाला मात्र एक ही द्वार है, वो क्या है, हमारा जिन धर्म, शुद्ध आत्मा। देखिए संसार में प्रवेश करने के लिए बहुत द्वार हैं, कहीं से भी आप प्रवेश कर सकते हैं, पर संसार से पार होने का एक द्वार है, वो क्या है, अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपने आप को जानना। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं है संसार से पार होने के लिए। पर हम लोग करते क्या है, पड़े रहते हैं। किस में पड़े रहते हैं? पुत्र की चिंता, पत्नी की चिंता, धन धान की चिंता, में आपने हमारे लिए क्या किया, क्या समझे, पूरा का पूरा जीवन उन लोगों के नौछावर कर दिया, पाप का भी आश्रम किया, सब कुछ किया, फिर भी क्या सुनने को मिला, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पढ़ा दिया, लिखा दिया, घर दिला दिया, व्यापार करा दिया, पर सुनने को बाद में क्या मिला, अरे कुछ नहीं किया, वो तो हमारे ही किसका उदय था, पुण्य का उदय था, इसलिए ऐसा हो गया। जब तक व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो वो पीछे पीछे चलता है, और जैसे ही उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो पीछे पीछे नहीं चलता है, आपको पीछे पीछे चलाता है। आचार्य भगवान कहते हैं आखिर में ये पाप है क्या, पाप बुद्धि की बात की गई, पाप है क्या, पाप की क्या परिभाषा है। आचार्य भगवान कहते हैं जो आत्मा को अपने शुद्धात्म स्वरूप से पतित करता है वो पाप होता है। पवन जी क्या बात कही यहां पर, बड़ी ही मार्मिक बात कही, अभी तक पाप की परिभाषा बहुत आई, जो आत्मा का पतन करे वो पाप, पर यहां पर आचार्य भगवंत ने क्या दी, सर्वासद्धि में कहा, बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने, क्या कहते हैं कि पाति रक्षति आत्मानाम सुभात इत पापम। वो कहते हैं जो अशुभ से बचाता है,
और शुभ में स्थिर करता है, रक्षा करता है, वो पुण्य, वह कौन है? पुण्य है। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मा को अपने शुद्धात्मा से पतित कराए उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हिंसा से भी बड़ा पाप है। जैसे कोई साधक अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, किसका अनुभव कर रहा है? अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, या कोई शुद्धात्मा के मार्ग पर चलना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? अरे क्या रखा है, क्या बोलते हैं अपन, क्या रखा है शुद्धात्मा में? कुछ नहीं है। सबसे बड़ा पापी वो है कि जो धर्मात्माओं को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करता है। कैसे भ्रष्ट करता है? धर्मात्माओं को धर्म के मार्ग से क्या करता है? भ्रष्ट करता है। अगर हमने किसी धर्मात्मा को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट कर दिया तो आचार्य भगवंत कहते हैं इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है। क्यों? वो आत्मा अगर धर्म में अगर स्थित हो जाती, शुद्ध आत्मा का अगर ज्ञान कर लेती, तो शायद ये आत्मा आज सिद्धालय में नहीं होती, आज ये आत्मा संसार में नहीं होती। कहां होती? सिद्धालय में होती। किसका अनुभव करने से? शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से। अधिकांश जे सगे संबंधी है ना, ये क्या करते हैं? पाप बुद्धि करते हैं। और पाप बुद्धि में क्या करते हैं? ये हमको हमारे लक्ष्य से क्या कर देते हैं? भटका देते हैं। कभी ज्यादा त्याग करना, ज्यादा तपस्या करना, व्रत आदि करना, सबसे पहले जो हमारे मिलने जुलने वाले होंगे ना, वो क्या कहेंगे? अरे क्या कर रखा है, कुछ खाना पीना नहीं करते क्या, कुछ खाते पीते नहीं हो, अरे तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तो ये क्या? हम लोगों ने उसकी व्रतों को आगे ना बढ़ाकर क्या किया? कम करा दिया। उसको शुद्धात्मा से क्या कर दिया? विमुख कर दिया। शुद्धात्मा के जो मार्ग पर चल रहा था ना, उसको विमुख कर दिया। और इनमें पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु सभी क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं। देखिए संसारी जीव की क्या दशा है कि संसारी जीव हमेशा क्या करता है? मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जो होगा ना, उसको क्या करेगा? खींचने का काम करेगा। अगर किसी के परिवार में अगर कोई त्यागी व्रती बनना चाहे, दीक्षा आदि लेना चाहे, तो उसके परिवारजन क्या करते हैं? नहीं नहीं रुको रुको, दीक्षा लेकर करूँगा क्या? दीक्षा में है क्या? वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं। क्या हैं? बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं। अरे विचार करिए, दीक्षा कोई कष्ट नहीं है, कष्टों को अंत करने का उपाय है। क्या है? दीक्षा कष्ट में नहीं है, दीक्षा तो हमारे कष्टों का निवारण करती है। फिर भी हम क्या करते हैं? दीक्षा को स्वीकार नहीं करते। हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है, व्रतों को स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा रातों दिन पाप बुद्धि में ही पड़े रहते हैं। इतना सारा जोड़ लेते हैं, ना वहां पर दया कर पाते हैं और ना किसी को क्या कर पाते हैं? दान दे पाते हैं। यह आचार्य भगवंत हम सभी को मतलब क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। आखिर में जीव ऐसा कर क्यों रहा है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं मम पुत्तम मम भाज्या,
क्या शब्द दिया, मम पुत्तम मम भाज्या, ये कौन है, मेरा पुत्र है। किसका पुत्र है, मेरा पुत्र है। मम भाज्या, ये कौन है, ये मेरी पत्नी है। मम धन्य धाणु, ये धन और धान्य किसका है, मेरा है। तीह तीव कसा तीव कांक्षा, ऐसी क्या करता, तीव्र कांक्षा करता है। कौन करता है, संसारी अज्ञानी ग्रस्त। ज्ञानी ग्रस्त नहीं करेगा। मम पुत्तम मम भाज्या, मम धान धान्यो, तित्य तीव्र कांक्षाए, तीव्र कांक्षा करता है। याद रखना, जो कांक्षा शब्द है ना, आकांक्षा शब्द है, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। और लाओ और लाओ, और इसके चक्कर में चई दूढ़ धम्म बुद्धि, मतलब क्या करता है, इस प्रकार की बुद्धि से, इस प्रकार की तीव्र कांक्षा की बुद्धि से धर्म से क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, धर्म को छोड़ देता है। पच्छ परिणति दीह संसारे, यह जीव दीर्घ संसार में क्या करता है, पर भ्रमण करता है। किसके कारण, मम पुत्तम मम भाज्या, धान धन धान किसका है, मेरा है। एक सूत्र है, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है। ये ज्ञानी ग्रस्त का लक्षण, किसका लक्षण है, ज्ञानी ग्रस्त का लक्षण है, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। पर अज्ञानी ग्रस्त क्या कहता है, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है ना वो भी किसका हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। इसी के प्रतन में क्या करता रहता है, रातों दिन लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है, रात दिन क्या करता रहता है, ये करता रहता है, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये कर लूँ वो कर लूँ, इसमें प्रपंच में हमेशा पड़ा रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, अगर वास्तविकता में कोई चीज छोड़ना है तो क्या छोड़े, अपनी तीव्र कांक्षाएं, मतलब तीव्र कांक्षा को छोड़े अपन, पर हम तीव्र कांक्षा को छोड़ते नहीं है। और क्या छोड़ देते हैं, ये पुत्र मेरा इसका पालन पोषण करना है, ये पत्नी मेरी इसका सुखी रखना है, जो मैंने धन धान इकट्ठा कर लिया है ना, इसकी भी क्या करनी है, इसकी भी मेरे को सुरक्षा करनी है। क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। देखिए, जो विष है, विष को खाने से मात एक भव खत्म होता है। क्या खाने से, विष को खाने से एक भव खत्म होता है, पर जीव इस मिथ्वात ममकार के कारण, मोह के कारण जाने कितने अपने भावों को क्या कर लेता है, नष्ट करता है। कौन करता है, यह जीव करता है, समझे ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझिए संसार की स्थिति को, समझिए संसार के किसी भी कोने में चले जाना, चाहे कितना भी दीपक लेकर चले जाना, फिर भी आप वहां से सुख लेकर नहीं आ सकते हैं। चाहे संसार के लिए अपना सर्वत्र नौछावर कर देना, फिर भी संसार से आप क्या लेकर नहीं आ सकते हैं, सुख लेकर नहीं आ सकते हैं। चाहे पूरा का पूरा जीवन क्या कर देना, इसको दे देना, फिर भी क्या करेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सुख वहां खोज रहे हैं जहां पर वास्तविकता में सुख है ही नहीं है। संसार में सुख खोज रहे, पर संसार में आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। और देखिए ये क्या करता है,
मिथ्वात के उदय में, किसके उदय में? मिथ्वात के उदय में यह जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित धर्म की निंदा भी करता है। किसकी निंदा करता है? जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए धर्म की क्या करता है? निंदा करता है। और कुलसित होकर मतलब कुसंगतियों को कुधर्म का सेवा है। कभी कभी हम जिनेन्द्र की देशनाओं को भी क्या कर देते हैं? झुटका देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? संसार में ही सुख खोज रहे हैं। तो बताओ ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है या नहीं है? अवश्य उल्लंघन है। पर हम लोग करते क्या है कि नहीं, संसार में ही सुख है, हम संसार में ही मस्त रहेंगे। कहाँ रहेंगे? संसार में मस्त रहेंगे। पर आचार्य प्रवर कहते नहीं, यही ये भी एक क्या है? संसार पर भ्रमण का कारण है। तो हमें क्या करना है? संसार के पर भ्रमण को दूर करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले संसार की स्थिति को समझें। संसार में आखिर में क्या है? संसार में आखिर में चिंतन करने योग्य वस्तु अगर कुछ है, इस संसार सागर का अगर अंत करने वाला अगर कोई है, तो मात एक वो है, हम अपनी शुद्ध आत्मा का ही क्या करें? अनुभव करें। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, और ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होने का मात एक ही उद्देश्य है कि हम अगर लाभ करें तो कैसा करें? जिस लाभ को करने से ऐसा कार्य करें, जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा इस संसार सागर से पार हो जाए। बहुत लोग संसार में डुबोने वाले हैं, पग पग पर संसार में डुबोने वाले, संसार में परिभ्रमण कराने वाले बहुत से निमित्त हैं, पर संसार से पार लगाने वाला मात्र एक ही द्वार है, वो क्या है? हमारा जिन धर्म, शुद्ध आत्मा। देखिए, संसार में प्रवेश करने के लिए बहुत द्वार हैं, कहीं से भी आप प्रवेश कर सकते हैं, पर संसार से पार होने का एक द्वार है, वो क्या है? अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपने आप को जानना। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं है संसार से पार होने के लिए। पर हम लोग करते क्या है? पड़े रहते हैं। किसमें पड़े रहते हैं? पुत्र की चिंता, पत्नी की चिंता, धन धान की चिंता, और धन को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्या समझे? और धन को सुरक्षित करने के चक्कर में क्या हुआ, ये समझिए आप लोग। आप कोई वस्तु लेकर आए, और जब वस्तु लेकर आए थे तो वन टाइम इन्वेस्ट किया है ना, एक टाइम लगा दिया, पर उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। घर बनवाया एक बार, और उसका मेंटेनेंस कब तक रखा? हमने रखा, और हमारे बाद जो उसमें रहा उसने भी रखा। अगर उसका रख रखाव नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उस समय से पहले जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। पर आचार्य प्रवर कहते हैं कि नहीं, हम सभी लोगों को क्या करना है? अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। किसका अनुभव करना है? शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। और जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और सबसे बड़ा पुण्यकार वही है जो हमको हमारी आत्मा से क्या करा दे? परिचय करा दे। तो आचार्य परमेष्ठि हम सभी लोगों को यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं, इस संसार सागर से पार होने का उपदेश दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि संसार सागर, संसार अनुपेक्षा की भावना करने वाले
व्यक्ति वैराग उदित होता है। क्या उदित होता है? वैराग उदित होता है। अब देखिए भगवान आदना जी को देखिए, नीलांजना का नृत्य देखा तुरंत वैराग्य हो गया, ठीक। अनेकों तीर्थंकरों ने अनेक अनेक निमित्त पाकर संसार की स्थिति का चिंतन किया, संसार की असारता का चिंतन किया, तुरंत क्या हुआ? मुक्ति को प्राप्त हो गए। पर उनके जीवन में एक बार वो चीज़ घटित हुई, पर हमारे जीवन में तो बार बार घटित होती है, फिर भी हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आता है। तो आचार्य कहते हैं परिणाम स्वरूप हुआ व्यक्ति संसार का नाश हेतु प्रतनशील हो जावे, तो इसलिए संसार अनपेक्षा की भावना करना चाहिए। एक बार संसार के बारे में, संसार के इन सुख और दुख के बारे में सोचें कि संसार में आखिर में सुख है या दुख है, तो अंतरंग से संसार से एक ही आवाज़ आएगी कि भाई मेरे अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं है, सुख नहीं है। ना इंद्रियों में सुख है, ना परिवारिजन में सुख है, ना मित्र में सुख है। अगर कोई सच्चा मित्र अगर है तो वो कौन है? धर्म ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है, इसके अलावा कोई दूसरा अच्छा मित्र संसार में नहीं है। तो महान बाबू आचार्य भगवंत ने हम सभी लोगों को पंच विहे संसारे, मतलब पांच प्रकार के संसार की बातें बताई और पंच प्रावर्तन की बातें बताई, साथ साथ इस संसार में जिसको हम अपना मानकर पाप बुद्धि के कारण जो पापा सब कर रहे हैं, वो भी जब उसका उदय आएगा तो संसार में वो भी आपके क्या नहीं होंगे, भागीदार नहीं होंगे, वो भी क्या करेंगे, आपको ऐसे ही छोड़ कर चले जाएंगे। संसार तो वो है जितना, जैसे केले का पेड़ होता है, केले का पेड़ लगे होते हैं क्या, बहुत सारे छिक्कल लगे होते हैं, उन छिक्कलों को उतारते चले जाते हैं, छिक्कलों को उतारते चले जाते हैं, जैसे जैसे उतारते चले जाते हैं वैसे वैसे वो छिक्कल जो तना होता है ना, वो पतला होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है लास्ट की परत भी उतर जाती है, पर उसमें सार भूत वस्तु उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। अगर इस संसार में सार भूत अगर वस्तु है तो मात्र क्या है, मेरी आत्मा, जो आत्मा का क्या करता है, सहारा लेता है। इस संसार में ममता और समता दो चीज़ें हैं, क्या हैं? ममता करोगे संसार की वृद्धि होगी, और समता रखोगे तो संसार से मुक्ति होगी। अब आपको क्या चुनना है, मुक्ति को चुनना है या फिर संसार की वृद्धि को चुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर संसार अनुपेक्षा का पूरा वर्णन संपन्न किया। आगे अपन लोक अनुपेक्षा, कौन सी लोक अनुपेक्षा का चिंतन करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।